तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज हूँ, मेरे चैनल का नाम है जी आई जी रिव्यू। दोस्तों आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल वीडियो होने वाली है और आपको ना आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किया। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सैमसंग गैलेक्सी A03 के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों ये डिवाइस जल्द ही पाकिस्तान के मार्केट में आने वाली है। लाइक दोस्तों ये डिवाइस दिसंबर के महीने में पाकिस्तान की मार्केट में आने वाली है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इस डिवाइस का कभी भी इंतजार नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये डिवाइस बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। इसका का डिजाइन घटिया है, फ्रंट डिस्प्ले डिजाइन बिल्कुल ही घटिया दिया गया और अंदर की स्पेसिफिकेशंस अगर बात की जाए ना, कह सकते हैं फुली एंड लेवल की घटिया दी गई है। और ये डिवाइस की दोस्तों प्राइस होने वाली है पाकिस्तान की मार्केट में तकरीबन दोस्तों 28,000 से लेकर ना 30,000 तक दोस्तों इस डिवाइस की प्राइस होने वाली है। दोस्तों अगर इसके बैक का डिजाइन की अगर बात की जाए ना, बैक का डिजाइन बिल्कुल भी इतना ज्यादा खास नहीं दिया गया। और उसके अलावा दोस्तों अगर इसके फ्रंट डिस्प्ले डिजाइन की बात की जाए तो बिल्कुल भी नकारा दोस्तों फ्रंट डिस्प्ले डिजाइन दिया गया और काफी ज्यादा ओल्ड कहते हैं ना जिसे फैशन का, यहाँ पे हमें फ्रंट डिस्प्ले डिजाइन दिया गया। वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिजाइन यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड किया गया है और बैक पे दोस्तों हमें टू कैमरास की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है और सिंगल LED फ्लैशलाइट की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। दोस्तों स्मार्टफोन का जो स्क्रीन साइज है ना वो 6.5 इंच दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन साइज प्रोवाइड किया गया है। और स्मार्टफोन में दोस्तों आपको कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई और ये स्मार्टफोन प्रोटेक्शन के हवाले से बिल्कुल ही जीरो है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया, HD रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है। और स्मार्टफोन में दोस्तों आपको ना IPS का पैनल दिया गया है। तो आपको पता ही है कि 30,000 के प्राइस टैग में और 29,000 के प्राइस टैग में हमें बहुत ज़्यादा अच्छी डिवाइसेज देखने को मिल रही हैं। लाइक कह सकते हैं हम टेक्नो की जो मिड रेंज डिवाइसेज है और इन्फिनिक्स की जो मिड रेंज डिवाइसेज है, इस डिवाइस से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं वो। दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन में ना आपको एंड्रॉयड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया है। और स्मार्टफोन में दोस्तों आपको ना एक्सिनस 5 सीरीज की आपको यहाँ पे चिपसेट प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो GPU प्रोवाइड किया गया है ना वो पावर VRGE8320 का यहाँ पे आपको दोस्तों GPU प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली और ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के हवाले से बिल्कुल ही जीरो है। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये डिवाइस बिल्कुल भी परचेज नहीं करनी चाहिए। तो भाई ये डिवाइस एक कह सकते हैं ना कि जिससे घटिया डिवाइस है ये वो होने वाली है पाकिस्तान की मार्केट में। दोस्तों ये वक्त के साथ साथ आपको डिवाइस बहुत ज्यादा तंग करेगी। दोस्तों बात करते हैं ना, इस डिवाइस में आपको बैक पे टू कैमरास की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है, जिसमें से दोस्तों जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा प्रोवाइड किया गया है। जो उसका फर्स्ट वाला कैमरा दोस्तों वो 2 मेगापिक्सल का है और 2 कैमरास के साथ ही दोस्तों आपको ना सिंगल LED फ्लैश लाइट की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस डिवाइस का जो कैमरा है वो अच्छा होने वाला है और मुझे नहीं समझती यार कोई मेंटली होगा जो इस डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए परचेज करेगा। तो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही जीरो है। दोस्तों फ्रंट पे ना आपको यार बड़े सोचने वाली बात है कि यार 5 मेगापिक्सल का कैमरा देने का क्या तुक बनता है। यार देखा जाए ना कि 29,000 की प्राइस टैग में, 30,000 की प्राइस टैग में इन्फिनिक्स वाले और टेक्नो वाले हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो भाई ये सैमसंग वाले इतने को ज़्यादा जहीन है ना भाई, इनका लेवल ही लगा पाकिस्तान में। और स्मार्टफोन में दोस्तों आपको EWMC 5.1 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है, जो डेफिनेटली दोस्तों मिड रेंज डिवाइसेज में आपको देखने को मिल जाती है ये स्टोरेज टाइप। और उसके बाद दोस्तों स्मार्टफोन में ना आपको 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी दोस्तों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। एंड भाईजान मैं यही कहना चाहता हूं ये जो डिवाइस है ना बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और यार मैं कहता हूं कि अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे ना यार इस डिवाइस पे वेस्ट ना करना, बिल्कुल ही जीरो डिवाइस है। और ये डिवाइस दिसंबर के महीने में आ रही है, दोस्तों आपको इस डिवाइस को नहीं परचेज करना, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बिल्कुल भी नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी डिवाइस है। तो मैं एंड पे यही कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 2 हाथ हैं, अपने पैसे बचा लो, अपने पैसे बचा लो। इस वीडियो को देख के यार कुछ सोचना, इस डिवाइस को आपने कभी भी परचेज नहीं करना। दिसंबर के महीने में दोस्तों ये डिवाइस आ रही है और कभी भी इस डिवाइस को परचेज नहीं करना। तो आज के लिए इतनी वीडियो, अल्लाह हाफिज़।